चलिए रुक करते हैं पारा शिक्षकों की खबरों की ओर। तो राज्य के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के मुद्दे पर आज अहम बैठक होगी। राज्य सरकार पारा शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। आज की बैठक दो चरणों में होगी। पहली बैठक राज्य सचिवालय के एमजीआई बिल्डिंग में होगी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ। इसमें विकास आयुक्त, स्कूली शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा अभियान के प्रशासी पदाधिकारी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दूसरी बैठक पारा शिक्षकों के साथ शाम 4 बजे अपने आवास पर करेंगे। पारा शिक्षकों के साथ पिछली बैठक 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें बिहार मॉडल की तर्ज पर वेतनमान समेत अन्य लाभ देने की बात कही गई थी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए आज का दिन पारा शिक्षकों के लिए बेहद अहम, ये उम्मीद उनकी कि 7 अगस्त को बैठक में जो आश्वासन मिला, जो अश्योरेंस उन्हें दिया गया कि 18 अगस्त को मीटिंग होगी और ये मीटिंग काफी निर्णायक साबित होने वाली है, तो आज एक बड़े फैसले के इंतजार में और ये भी उम्मीद कि शायद राज्य सरकार एक बड़ा तोहफा उन्हें दे। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद यही है कि राज्य के 65,000 पैरा शिक्षकों को आज सूबे की राज्य सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। ये तोहफा किस रूप में होगा, क्या कुछ होगा, इसके लिए हमें और आपको दो बैठकों का इंतजार करना होगा। अब से थोड़ी देर बाद अभी मैं राज्य सचिवालय शिक्षा विभाग के सचिवालय में मौजूद हूँ, एमडीआई बिल्डिंग में। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया, साथ ही विकास आयुक्त के साथ एक बैठक करेंगे और उस बैठक में पूरा फ्रेम आउट दिया जाएगा कि पैरा शिक्षकों को क्या कुछ दिया जाना है, कैसे उन्हें स्थायीकरण और वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी और इस बैठक के बाद, ये जब बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद शाम 4 बजे मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर पैरा शिक्षकों को बुलाया जाएगा और उस बैठक में भी शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उसी बैठक के बाद ये तय होगा कि पैरा शिक्षकों को तोहफा मिलता है या फिर उन्हें एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस प्रकार से जगन्नाथ महतो पूरे दमखम के साथ पैरा शिक्षकों की समस्याओं के निपटाने में जुटे हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि आज पैरा शिक्षकों के लिए बड़ा दिन है, उन्हें राज्य सरकार तोहफा दे सकती है। आरती, बिल्कुल तोहफा दे सकती है। और जिस तरह से ये भी कहा गया था अजय कि देखिए उनकी मांगे हैं बिहार की तर्ज पर वेतनमान और जो स्थायीकरण की, क्या सरकार बीच का भी रास्ता निकाल सकती है? अगर 100% उनकी मांगों पर ना भी सहमति बने तो भी अगर बीच का रास्ता कुछ निकलता है तो जिस दो गुट की बात हो रही है पारा शिक्षकों के अंदर भी, क्या दोनों गुट इस पर सहमत हैं? कुछ ऐसी खबरें? देखिए आरती, आपने बिल्कुल सही कहा है, दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा झुकना होगा। हूबहू यदि बिहार के मॉडल को लागू किया जाएगा तो यह तय मानकर चलिए कि कई पैरा शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा इसलिए कि बिहार के नीतीश कुमार गवर्नमेंट का जो मॉडल है उसमें कहा गया था कि 3 बार आकलन परीक्षा में जो पारा शिक्षक फेल होंगे, बिहार में ऐसे शिक्षकों को शिक्षा मित्र कहा जाता है और बड़ी संख्या में 80,000 के आसपास बिहार में वहाँ की सरकार ने शिक्षा मित्रों को नौकरी से बाहर कर दिया। ऐसी नौबत यहाँ नहीं आएगी। इस प्रकार की चिंता हो रही है कि यदि पैरा शिक्षक आकलन परीक्षा में 3 बार आकलन परीक्षा के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें बतौर पैरा शिक्षक ही कंटिन्यू कराया जाएगा, उन्हें किसी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, मतलब वेतनमान नहीं दिया जाएगा, नियोजन से वैसे शिक्षक वंचित रहेंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से है कि कुछ पैरा शिक्षक ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने टेट की परीक्षा पास कर ली है उसे आप आकलन परीक्षा में क्यों बिठाना चाहते हैं, यानी उन्हें यह लग रहा है कि सरकार डेमोलाइज करना चाहती है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 बजे के बाद जो बैठक होगी, पैरा शिक्षकों का क्या रुख होता है, क्या वो आकलन परीक्षा देने को तैयार होते हैं या नहीं, यदि आकलन परीक्षा देने को तैयार होते हैं तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि पैरा शिक्षकों को भी थोड़ा झुकना होगा
और सरकार को भी थोड़ा झुकना होगा। कि अगर आप देखें अजय, तो जिद सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं है कि सरकार इजीली बहुत इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे देगी, मोहर लगा देगी, जिद इन दो गुटों में भी है जिन्होंने टेट पास किया है और जिन्होंने नहीं किया है। क्या वो आकलन परीक्षा में बैठना चाहते हैं, नहीं चाहते, इधर भी गतिरोध है। तो ये गतिरोध पहले दोनों तरफ से दूर करना होगा और उसके बाद जो निर्णय सरकार लेगी वो काफी और शायद इसलिए ये वक्त लग रहा है। हम तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल अजय लाल, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो दो चरणों में आज बैठक होनी है पारा शिक्षकों की, यार बहुत अहम बैठक। आज उम्मीद है कि कोई निर्णायक फैसला हो, कोई निर्णायक ये कदम उठाया जाए, और पारा शिक्षकों के लिए आज का दिन बेहद अहम कि शायद कोई बात बन जाए इस बैठक।